वैसे तो इस संसार में बहुत सारे पक्षी और जानवर हैं, लेकिन इनमें कुछ पक्षियों और जानवरों की एकदम अलग ही पहचान है, खासकर उन गिने चुने जानवरों की जो पानी की सतह पर भी चल सकते हैं। और इन जानवरों में कुछ तो बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि आप उनको एक चुटकी भर में मसल सकते हैं, लेकिन कुछ तो इतने बड़े हैं कि वह आकार में हमसे भी दो गुना या तीन गुना होंगे। पानी पर चलने वाले इन जानवरों में कुछ तो ऐसे भागते हैं जैसे जमीन पर दुनिया का सबसे तेज रनर उसेन बोल्ट भागता है, जबकि कुछ ऐसे भी जानवर है जो पानी को अपना बिस्तर समझकर दिन भर वही पड़े रहते हैं, एकदम आलसी और निठल्ले इंसान की तरह। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वाटर सरफेस पर रहते हुए ये कभी डूबते ही नहीं, जबकि अगर इन जानवरों की जगह कोई दूसरा जानवर या हम और आप हो तो तुरंत हम अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से है वो 10 जानवर जो पानी की सतह पर बहुत ही आसानी से चल और दौड़ सकते हैं, वो भी बिना डूबे। नंबर 10, बासिलिस्क लिजर्ड्स और कॉमन बासिलिस्क। आप लोगों ने दीवार पर छिपकली तो कई बार देखी होगी, जो कि हमारे घर की छतों पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी छिपकली के बारे में सुना है जो पानी पर बहुत ही आसानी से दौड़ सकती है, वो भी सिर्फ अपने पिछले दो पैरों पर। इस छिपकली को बासिलिस्क लिजर्ड कहते हैं, जो कि ज्यादातर वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही पाई जाती है। जमीन पर खतरे की घंटी बजते ही ये बाय बाय डेंजर बोलती हुई अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। पानी के ऊपर दौड़ने के लिए ये लिजर्ड अपने लेग्स को पानी पर बहुत ही तेजी से मारती है, जिससे इनके पैरों के नीचे एक तरह का एयर पॉकेट बन जाता है, और इसी वजह से इन छिपकलियों को पानी में दौड़ने में मदद मिलती है और ये डूबती नहीं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस क्रिएचर को अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक बार की दौड़ में पानी की सतह पर 15 फीट की दूरी तय कर सकती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनके छोटे बच्चे कम वजन होने की वजह से 15 फीट से भी ज्यादा की दूरी एक दौड़ में पूरा करते हैं। नंबर 9, पाइगमी गेकोस। क्या आपने कभी पानी पर खड़ी होने वाली छिपकली के बारे में सुना है? इसका नाम पाइगमी गेको है और ये एक ऐसी छिपकली है जो पानी पर खड़ी हो सकती है, जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया है। इस छिपकली की स्किन वाटर रेपेलेंट होती है, यानी हाइड्रोफोबिक स्किन, जिस पर बारिश या किसी भी तरह के पानी का कोई असर नहीं होता। और ये छिपकली ना ही भीग सकती है और ना ही डूब सकती है, क्योंकि इसकी स्किन पर पानी की बूंदें ठहरती ही नहीं, और यही चीज इस छिपकली को बाकी जानवरों से एकदम अलग बनाती है। ये छिपकली देखने में बहुत ही छोटी होती है और उसका वजन भी बहुत कम होता है। कम वजन और पैरों की अजीब सी बनावट होने की वजह से ये छिपकली पानी में बिल्कुल एफर्टलेसली खड़ी रह सकती है। नंबर 8, वेस्टर्न ग्रीब। आपको राजू का वो डायलॉग याद है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का। वेल, ये फसाना सिर्फ हम इंसानों का ही नहीं बल्कि दूसरे क्रिएचर्स का भी है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये बात सिर्फ इंसानों ही नहीं जानवरों पर भी लागू होती है। ऑरेंज लेक में और उसके आसपास पाए जाने वाले बर्ड्स वेस्टर्न ग्रीब्स भी ऐसा ही करते हैं। पहले तो फीमेल बर्ड्स मेल बर्ड्स का टेस्ट लेती हैं एकदम स्वयंवर स्टाइल में, और उसके बाद टेस्ट के आखिर में दोनों मेल और फीमेल पानी में तेज से दौड़कर एक तरह का डांस करते हैं, जिसमें काम आते हैं ग्रीब्स के पंजे, जो बहुत ही अलग तरह के होते हैं और पानी में भागने में मदद करते हैं। एक दूसरे को रिझाने से लेकर डांस करने तक ये सारी चीजें सिर्फ एक सही पार्टनर को चुनने के लिए की जाती है। और हाँ, ये सब देखने सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये बर्ड्स पानी पर सिर्फ चल या दौड़ ही नहीं सकते, बल्कि मजे से वाटर सरफेस पर नाचते भी है। नंबर 7, डॉल्फिन्स। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ज्यादा लवेबल वाटर एनिमल्स की, तो उसमें डॉल्फिन्स का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। रीजन है उनका फ्रेंडली बिहेवियर, जो कि बाकी मरीन एनिमल से उनको अलग बनाता है। लेकिन सिर्फ उनका बिहेवियर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी ऐसा है जो कि डॉल्फिन्स को बाकी जानवरों से अलग रखता है, और वह है उनका डांस, जिसको करने में उनकी टेल का बहुत बड़ा हाथ है, जैसा कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में ये डॉल्फिन्स डांस करते हुए और रेसिंग कंपटीशन करते दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी और हेवी वेट की होकर भी उनका इस तरह से डांस करना यकीनन आश्चर्यजनक लगता है। इस वीडियो से एक बात तो आप जान ही गए होंगे कि डॉल्फिन्स भी पानी के सतह पर इजीली दौड़ सकती हैं। नंबर 6, फिशिंग स्पाइडर्स।
पक्षियों और मछलियों के अलावा फिशिंग स्पाइडर एक ऐसी मकड़ी है जो दिखने में खतरनाक होने के साथ साथ पानी पर भी चल सकती है, जैसा कि बाकी जानवरों में होता है। कुछ इसी तरह इस मकड़ी की भी खासियत है इसके लेग्स, जिन पर कई सारे छोटे छोटे स्पाइक्स पाए जाते हैं, और इन स्पाइक्स की वजह से ही फिशिंग स्पाइडर्स को पानी में वॉक करने में आसानी होती है। इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये पानी के अपर सरफेस पर दौड़ तो सकती ही है, साथ ही साथ इनके सेंसेस पानी के निचली सतह से आ रही शिकारी अटैक्स की सूचना भी इन्हें दे देती है, जिससे कि ये खतरा आने के पहले ही उस जगह को छोड़ निकल पड़ते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पाइडर्स छोटी छोटी मछलियों का शिकार करके खुद को जिंदा रखते हैं। एक और बात, ये स्पाइडर्स पानी के अंदर तैर सकते हैं और पानी के अंदर सांसें भी ले सकते हैं। नंबर 5, फायर एंट्स। चींटियां जितनी छोटी होती है उतनी ही खतरनाक भी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली फायर एंट्स नॉर्मल एंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इनके कई कारण है, एक तो इनका खतरनाक जहर, इनकी यूनिटी, और तीसरी पानी में तैरने की काबिलियत। ये चींटियां अपने शिकार को पकड़ने और खदेड़ने के लिए पानी में भी उतर जाती है और बिल्कुल आराम से तैर सकती है। फ्लड जैसे डिजास्टर सिचुएशंस भी इनको नहीं रोक पाते। एक बार पानी में उतरने के बाद इनका ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। पानी में इनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि दूर से देखो तो देखने वाले को ये भ्रम हो जाए कि सामने से तैरती हुई चीज कोई फ्लोटिंग बोट है, लेकिन पास पहुंचकर आपने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो बस वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। इस पूरे झुंड के बीच में एक रानी होती है और सभी चींटियों का काम होता है कि रानी पूरे सफर के दौरान बिल्कुल भीगने ना पाए। अगर बात की जाए खाने की, तो इनकी झुंड एक चिड़िया, चूहे और छोटे कीड़ों को खाकर अपना पेट भरती है। नंबर 4, वाटर स्नेल। दुनिया के सबसे छोटे क्रिएचर्स में से एक वाटर स्नेल दिखने में बहुत ही ज्यादा लवली लगते हैं, साथ ही ये बहुत ही शांत भी होते हैं, जो किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने सर्वाइवल के लिए ये सिर्फ छोटे मोटे पौधे और घास पर डिपेंडेंट होते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्नेल्स पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना डूबे मजे से तैरते हुए। अपने शरीर की अजीब सी बनावट की वजह से स्नेल पानी की सतह पर भी तैर सकते हैं और चल भी सकते हैं, और यही चीज इनको खास बनाती है। जहां बाकी जानवरों के पैर उनको तैरने में मदद करते हैं, वही स्नेल अपनी बॉडी बैलेंस और पेशेंस की वजह से खुद को सरफेस और वाटर के हिसाब से खुद को तुरंत ढाल लेता है। नंबर 3, वाटर स्ट्राइडर्स। कुछ कुछ ग्रास होपर जैसा दिखने वाला ये कीड़ा बाकी जानवरों की तुलना में पानी पर चलने में सबसे ज्यादा परफेक्ट माना गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसके शरीर की अजीब सी बनावट, जो कि कुछ कुछ ट्राइपॉड स्टैंड जैसी है। लेग्स के कंपैरिजन में इस कीड़े का अपर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा छोटा है, और इसी वजह से इसे बॉडी बैलेंस बनाए रखने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस कीड़े की लंबी लंबी टांगों और लाइट वेट के सिवाय भी ऐसी चीजें हैं जो इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है और इसे पानी में डूबने नहीं देती। इस कीड़े के पूरे शरीर पर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बाल होते हैं। इन छोटे छोटे बालों की वजह से ही इस कीड़े का शरीर पूरी तरह से पानी के संपर्क में नहीं आता, और ये भीगने या फिर डूबने से बच जाता है। जिस तरह एक मकड़ी के पैर पर छोटे छोटे रोए होते हैं, कुछ उसी तरह इस कीड़े के पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोए होते हैं, और यही है इसकी खासियत। बाकी बचा हुआ काम इसकी लंबी लंबी टांगे और इसका लाइट वेट कर देता है। नंबर 2, स्टॉर्म पेट्रिल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर आइलैंड्स के आसपास पाए जाने वाले इन पक्षियों की वैसे तो और भी ब्रीड्स है, लेकिन उन सब में स्टॉर्म पेट्रिल का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। स्टॉर्म पेट्रिल दिखने में छोटे होते हैं और इनका कलर ब्लैक होता है, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। शिकार के लिए वाटर सरफेस से बहुत ही पास आ जाने की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी पानी पर चल सकते हैं, लेकिन असल में ये सच नहीं है। सामने से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन ये एक इल्यूशन है। शिकार करने के लिए ये पक्षी पानी के बहुत ज्यादा ही करीब पहुंच जाते हैं और काफी समय तक पानी के करीब ही हवा में रुके रहने की वजह से ये भ्रम और मजबूत हो जाता है। इन पक्षियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान में से एक ये है कि इन पक्षियों की पूंछ पीछे से स्क्वायर शेप में होती है। नंबर 1, बीटल। बीटल्स दिखने में जितने ही छोटे होते हैं, उससे ठीक उल्टा इनके बड़े कारनामे होते हैं, क्योंकि बीटल के अलावा आज तक शायद ही कोई ऐसा क्रिएचर पाया गया हो जिसे पानी में उल्टा चलते हुए देखा गया हो।
मतलब पानी की सतह पर पहुंचते ही इनकी लेग्स ऊपर की तरफ दिखने लगते हैं और इनका सिर नीचे की तरफ रहता है, जो कि बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है। ये जानवर हाइड्रोफिलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस इंसेक्ट ने ये कैसे किया, इस बारे में वैज्ञानिक भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप से असंभव सा लगता है। एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि इनके पेट यानी बेली के आसपास एक बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से बीटल अपसाइड डाउन हो सकता है, लेकिन ये मात्र एक अंदाजा भर है। हालांकि बीटल पानी की सतह पर चल तो नहीं सकता, लेकिन ये तो बाकी जानवरों और कीड़े मकोड़ों से कई कदम आगे निकल चुका है, जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पक्षी या जानवर आपको सबसे खूबसूरत और सरप्राइजिंग लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।